हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फोल्डर लॉक के बारे में कि आप फोल्डर लॉक को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। तो आज हम फोल्डर लॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और पास में अपने घंटे का आइकॉन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारे नए रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले आ जाना आप अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद स्क्रीन को करना स्क्रॉल। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे उसके बाद आ जाता आपको लास्ट में देखने को मिला होगा ऐप्स का ऑप्शन। तो ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको मिल जाता है ऐप लॉक का ऑप्शन। उसके बाद ऐप लॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है, उससे ऐप्स लॉक आपका टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो एक पैटर्न सेट करना है, जिस पैटर्न से आपका ऐप खुलेंगे उसे सेट कर देना है। तो यहाँ मैं कोई भी पैटर्न सेट कर देता हूँ, उसे आपको कंफर्म कर देना है दो बार। उसके बाद ये कह रहा है कि आप क्या अपना MI अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि आप कभी भी सिंग आउट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अपने पासवर्ड को फॉरगेट या रिसेट कर सकें। तो मैं भी नहीं चाहता तो मैंने नो कर दिया। कि आप फेस लॉक से भी इन्हें ओपन करना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता, मैंने कर दिया कैंसिल। अब आता है आपको एक नया इंटरफेस, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन। इसमें आपको इनेबल कर देना है, जिस ऐप पर आप लॉक लगाना चाहते हैं उस ऐप को इनेबल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लगाना चाहता हूँ ये, और बहुत सारे ऐप हैं जिन पर मैं ये लॉक लगाना चाहता हूँ। तो मैंने वो कर दिया इनेबल। आपको इनेबल करने के बाद करना है आपका जो होम बटन को क्लिक, उसके बाद ये कट हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी भी ऐप को ओपन करके देखता हूँ जिन पर मैंने लॉक इनेबल किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है कि आप MI अकाउंट अगर ऐड कर देंगे तो उससे आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ आपको पासवर्ड मांगेगा, इसका मतलब कि आपका ऐप लॉक जो है वो इनेबल हो चुका है। तो यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। एक और ऐप में मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इनेबल किया था, वो था YONO SBI। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें भी आपका जो ऐप लॉक है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ से भी आप इसे ओपन करेंगे तभी ये ओपन होगा, वरना तो नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको इसमें कि आपको इसे डिसेबल कैसे करना है। तो इसमें वापस आपको ऐप्स में ही चले जाना है। ऐप लॉक में जाने के बाद आपको इसका लॉक डालना है जो भी आपने सेट किया था। उसके बाद यहाँ कैंसिल करना है। इसके राइट साइड में ऊपर की साइड में आपको जो सेटिंग ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। उसके बाद डिसेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना तो आपका ऐप लॉक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन होना है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में घंटी का आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको मैंने रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।